हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो ये सैमसंग कंपनी का एक टीवी है। और ये टीवी ऑन करने का बाद आपको ऑन करके ही दिखाता हूँ। इस पर सप्लाई में स्विच दे देता हूँ और आप देख सकते हो इसकी इंडिकेटर ये ऑन है। और उसका बाद इसका रिमोट से इसका जो पावर बटन ये ऑन करने का बाद टीवी ऑन हो जाता है। और ऑन होने का बाद स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, देखिए टीवी लॉग लिखा आता है। जब ये टीवी लॉग लेकर आ जाता है, इसका बाद इसका जो पैनल स्विच पैनल बॉटम जो होता है और जो रिमोट का जो रिमोट काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको देखा देता हूँ। देखिए ये मेनू बॉटम है, मैं अभी पुश काटता हूँ और उसका साथ कुछ भी बॉटम ये आप देख सकते हो, 1 2 3 ये सभी बॉटम मैं पुश करके आपको दिखाता हूँ, काम नहीं कर रहा है। सिर्फ ये जो पावर बॉटम देखिए स्टैंड बाई हो जाता है और उसका बाद ये रिमोट से स्टैंड बाई ऑन हो जाता है और इसका रिमोट और कुछ नहीं काम करता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आपको जो देखाऊँगा ये टीवी लॉक कैसे ओपन करें। तो दोस्तों ये सैमसंग कंपनी का एक टीवी है और अलग अलग टीवी का सिस्टम अलग होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सैमसंग कंपनी का जो मॉडल है आप एक बार देख लीजिए, अलग अलग मॉडल का सिस्टम भी अलग हो सकता है, अलग भी होता है। ठीक है, तो आइए ये टीवी का जो लॉक ओपन करने का तरीका होता है आपको दिखाऊँगा। दोस्तों आप अच्छा करके देख सकते हो, ये टीवी का जो रिमोट नंबर होता है आपको क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ। SUDT SS64 का रिमोट है। ठीक है, और ये रिमोट ये टीवी पर चलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रिमोट पर एक लॉक बॉटम है। ठीक है, ये लॉक बॉटम आप एक बार दो बार तीन बार पुश करेगा तो ये भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बॉटम से ही ये जो टीवी का जो लॉक आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसका सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट ये लॉक बॉटम को आपको कुछ टाइम दबा के रखना होगा। तो दोस्तों मैं कुछ टाइम दबा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जब कुछ टाइम ये लॉक बॉटम दबा के रखा है, उसका बाद ये स्क्रीन पर एक ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हो फर्स्ट जो ऑप्शन है टीवी लॉक ऑन है। ठीक है, इसलिए टीवी लॉक हो जाता है। उसका बाद ये जो ऑप्शन है ए भी लॉक। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये टीवी लॉक आप देख सकते हो, ये जब चार्ट आ जाएगा लॉक बटन दबाने के बाद, उसी का साथ साथ आपको वो लॉक को ऑफ करना होगा। ठीक है, दोबारा मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ, ये लॉक जो बॉटम, ये लॉक बॉटम को मैं कुछ टाइम दबा के रखता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो टीवी लॉक ऑप्शन आ गया, इसको आप चैनल माइनस करके फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया है। उसका बाद वॉल्यूम प्लस बॉटम पुश करके ये जो ऑन है इसको मैं ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों उसका बाद ये जो चार्ट ये आउट हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों ये ए भी लॉक भी ऑप्शन है, पैनल लॉक भी ऑप्शन है, वॉल्यूम लॉक भी ऑप्शन है, क्लॉक कोड भी ऑप्शन है। इस पर आप कोड भी यूज़ हो सकता है, कोड का ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये लॉक ओपन हो गया है और उसका बाद इसका जो रिमोट ये सभी अच्छा से काम करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसका जो रिमोट ये सभी ऑप्शन काम करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप लॉक ओपन कर लीजिए ये जो सैमसंग कंपनी का जो सिस्टम होता है। तो दोस्तों तब भी एक बार वीडियो लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसका जो ए भी पर वीडियो आता है, मैं ए भी काट दिया है और वीडियो लाइन पहले से ही मैं कनेक्शन करके रखा है। एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।